75वीं अमृत महोत्सव में आदिवासी जनजाति के वीर योद्धाओं का योगदान। आज दिनांक जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव में आदिवासी जनजाति के वीर क्रांतिकारी योद्धाओं को याद किया गया। उनके द्वारा आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी के रूप में भारत को अंग्रेजों मुक्त बनाने हेतु उनकी वीरता को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया, आदिवासी जनजाति समाज की अनेक क्रांतिकारियों के इतिहास के नाम मिटाकर हमें उनकी वीरगाथा से वंचित रखा गया है। आदिवासी योद्धाओं का भारत राष्ट्र के लिए आजादी में शहीद होना इतिहास के पन्नों में उनके बलिदान को उचित स्थान नहीं मिला। वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र ने मंच से बताया, आजादी की गौरव गाथा जिस तरह से आदिवासी जनजाति मूल के क्रांतिकारी वीर योद्धाओं के ताज हमें पढ़ाया नहीं गया है। आज युवा अनेक क्रांतिकारी हमारे भारत की महान आजादी के आंदोलनकर्ताओं को जानते तो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी का अभाव है। आदिवासी जनजाति के वीर योद्धा टंटिया भील, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा जैसे महान योद्धा क्रांतिकारी ने मिलकर भारत देश की आजादी में अपना पूर्ण योगदान एवं बलिदान दिया है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उन सभी वीर योद्धाओं के बारे में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। आदिवासी जनजाति वीर क्रांतिकारी शहीदों के योगदान बलिदान राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इस विषय पर हमारे जो विद्यार्थी हैं, युवा छात्र छात्राएं और सभी शिक्षकों को और हमारे जितने आगंतुक लोग हैं, एक नए नए तथ्यों से और सत्यों से जानकारी हम कराई गई हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के द्वारा, जो हमारे ऐसे इतिहास जो छुपे हुए, दबाए गए अथवा नहीं लिखे गए, उसकी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को मिल रही है। जिस देश का इतिहास युवा अपने आत्मसात करके आगे बढ़ता है, वह देश सदैव अग्रसारित आगे ही रहता है। और लगता है कि 20वीं शताब्दी में भारत उसी नवरचना को आगे लेकर नवनिर्माण की दिशा में विश्व गुरु के रूप में इन नायकों के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करेगा। ऐसा इस राष्ट्रीय संगोष्ठी से हम सबको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का इसे संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को, ये जो संगोष्ठी है इसमें स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान, ये इस विषय पर कि जैसे रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर नारायण से अनेक महापुरुष इस देश में हुए, उनको याद कराने का ये जो संगोष्ठी है, इसमें लोग और देश के लोग जाने कि जनजातीय योगदान, जनजातियों का योगदान इस भारत के आज़ादी में रहा है, ये लोगों को और देश को जानना चाहिए। आपने देखा होगा, अभी हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि कितने ऐसे योद्धा थे जिनने इस आंदोलन में भाग लिया, उनका कहीं कोई स्थान नहीं आता। जबलपुर से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।